थैंक यू सो मच फ्रेंड्स के पिछले गुरुवार का जो हमारा वीडियो था उसको आपने इतना बेहतरीन ये दिया, सपोर्ट दिया कि मोर देन 1000 व्यूज वेर क्रॉस्ड इन द वेरी फर्स्ट डे। ऑफ कोर्स यू रिमेम्बर द टॉपिक, टॉपिक वाज कि आप सिप का जो आपका रिटर्न है या म्यूचुअल फंड के ओवरऑल इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न है, क्या उसके साथ आप खुश नहीं हो? तो वो टॉपिक आप जरूर एक बार और देखिए, और अच्छा लगा हो तो और अच्छा तो लगा ही है आपको, तो दोस्तों को और एक बार फॉरवर्ड कीजिए। दोस्तों आज का टॉपिक है फायर। फायर मतलब आग वाला फायर नहीं, एफ आई आर ई इज द शॉर्ट फॉर्म फायर में कहते हैं। आज की जो यंग जनरेशन है इसके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हॉट टॉपिक है एफ आई आर ई। फायर, फायर का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली। अभी इसका जीता जागता उदाहरण मैंने पिछले हफ्ते देखा। एक फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही फेमस म्यूजिशियन थे जिनको एट एज ऑफ 45 लगा कि मुझे मुंबई में नहीं रहना है, मैंने बहुत सारा पैसा कमा लिया, मुंबई का वेदर या ट्रैफिक ये सब झिकझिक यहाँ नहीं अच्छी लग रही है। He decided to call it quits। उन्होंने एक दूसरे छोटे से गांव में शिफ्ट किया और उस गांव में एक दूसरा ही बिजनेस चालू किया। अपने टाइम के हिसाब से वो काम कर रहे एंड टुडे ही इज लीडिंग ए वेरी कंटेंटेड लाइफ इन द 80+ एज। तो व्हाट इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली का मतलब यही है दोस्तों, रिटायर वर्ड अपने यहाँ हम थोड़े निगेटिव कनोटेशन से देखते हैं। रिटायर मतलब यार मैं रिटायर हो गया, अभी इसके सामने आगे जिंदगी में कुछ नहीं करेगा, ऐसे नहीं है। रिटायरमेंट का मतलब है एक्टिव वर्क से रिटायर होके एक कोई पैसिव इनकम की तरफ जाए। और इस एग्जाम्पल को मैं सिंपल कर देता हूँ। एक्टिव एम्प्लॉयमेंट, आप कहीं भी नौकरी करते हो, पहले एक जमाने में मैं भी नौकरी करता था लीगल एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट में, तो मेरा जो वर्क था वो मेरे बॉस के या कंपनी के मालिक के हाथ में था। एक फिक्स शेड्यूल था, सुबह 8 बजे ऑफिस में जाना है, कार्ड पंच करना है। आजकल अभी ऑनलाइन आ गया, पहले हमारे जमाने में कार्ड को पंच करते थे, फिर 5:30-6 बजे ऑफिस छुटेगा, निकलते वक्त वापस टाइम लिखना है। एक दिन की भी मेरे को छुट्टी चाहिए तो मेरे को 2-3 दिन पहले से बॉस को बोलना पड़ता था, मेरे को बुधवार में ऐसे ऐसे है, घर में पूजा है, नहीं आऊंगा चलेगा? तो उसके लिए फिर उसका सिग्नेचर ले लो, एचआर से अप्लाई ले करो, ये करो। सिग्नेचर बॉस का होने के बाद ही लीव अप्रूव होती थी, उसके बाद ही मैं छुट्टी ले सकता था। एक्सेप्शन वॉज ऑफकोर्स द मेडिकल केसेस। तो इन शॉर्ट मेरे जिंदगी के ऊपर टोटल कंट्रोल मेरे कंपनी का या मेरे बॉस का या हमारे कंपनी का मालिक का था। कंट्रोल इतना दोस्तों कि शनिवार को शनिवार कहना भी मेरे हक में नहीं था। सैटरडे संडे वॉज ए हॉलीडे, बट अगर इमरजेंसी आ गई तो बॉस कहता था अगले फ्राइडे शनिवार को हम लोग फुल डे काम करने वाले, ऑफिस आना है, सैटरडे को मैं कुछ प्लान नहीं कर सकता। सो इसका ये मतलब हो गया हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं कि पैसा हमारे लिए काम कर रहे हैं। जब हम पैसे के लिए काम करते हैं दैट इज योर एक्टिव वर्क। पैसिव मतलब आप आराम से जिंदगी बिता रहे हो, आपको चाहिए आपके पेस से आप जिंदगी बिता रहे हो, और उसको कहते हैं पैसिव इनकम एंड दैट इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। सो इफ यू आर वेरी यंग, आज के जो यंग बच्चे हैं 20-25 ईयर ओल्ड MBAs हैं, दे आर लुकिंग टू हैप्पीली डिसएंगेज फ्रॉम द करंट एम्प्लॉयमेंट बाय द एज ऑफ 45 एंड देन गो टू अ वोकेशन ऑफ देयर चॉइस, मे बी इट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग और समथिंग एल्स। सो अपना सपना क्या है, जो हमारे कंपनी का जो मेन ये थीम है वही है प्लान योर ड्रीम्स। तो आपका ड्रीम प्लान कीजिए और आपका आई विल नॉट से रिटायरमेंट, आई विल से इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस को प्लान कीजिए। कैसे प्लान करना है उसके लिए आप मेरे साथ हमेशा 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हो। ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।